أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो कि अभी रिसेंटली इंटर कंप्लीट कर चुके हैं अपना FSC के तमाम स्टूडेंट्स जो कि अभी इस साल उन्होंने सेकेंड ईयर का इम्तहान अपना दे दिया है, मैं आज उन तमाम से मुखातिब हूँ। और आज कुछ वक्त मिल गया था मानसून की इस खूबसूरत बारिशों की सुबह में, आज मैंने सोचा कि आपके लिए ये एक पैकेज बनाऊं जो कि आप तमाम स्टूडेंट जो कि रिसेंटली अभी अपने सेकेंड ईयर को कंप्लीट एग्ज़ाम देकर फारिग हुए हैं और अब वो इरादा कर रहे हैं आगे प्रोफेशनल इदारों में जाने का, और वो अपने कैरियर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने वाले हैं। तो और काफ़ी मेरे दोस्त जिनके जो बच्चे हैं, बेटा है बेटी, वो अभी रिसेंटली इंटर कंप्लीट किया है, उन्होंने भी मुझसे काफ़ी गाइडलाइन मांगी थी। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाए कि अब जो आपने फ़ैसला लेना है अपने फ्यूचर लाइफ के हवाले से, अपने एकेडमिक कैरियर के हवाले से, वो एक बेहतर हो ताकि उसके जो इम्पेक्ट पड़े आपके फ्यूचर लाइफ पर वह शानदार रहे। और बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए कि आप एक अच्छा फैसला लेने में कामयाब हो जाएं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम मिल गया तो एक पैकेज बनाऊं जिसमें मैं प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स बॉयज सबके लिए एक पैकेज तैयार करूं जो कि गाइडलाइन दे मेरी जानिब से आप तमाम को। याद रहे बेटा, फाइनल डिसीजन आपका अपना पर्सनल होगा और सजेशन आपको यही है कि आप पेरेंट्स से काउंसलिंग करें इस हवाले से, उनसे गाइडलाइन लें और फिर इन तमाम बातों को नोट करें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और फिर परेशान ना हो। देखें, ज़िंदगी में टफ टाइम आते हैं, ख़ासतौर पर बच्चे इनकी परसेंटेज थोड़ी कम है इंटर के अंदर, वो भी परेशान ना हों, जिनकी बहुत शानदार परसेंटेज है वो भी अच्छा फैसला लें। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस वक्त आपके अकेडमिक करियर का बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है और उसमें आप एक अच्छा फैसला लें ताकि ज़िंदगी जो आपकी आने वाली है बहुत शानदार, और प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत अच्छा फील करें और तमाम टारगेट्स, तमाम एम, तमाम ड्रीम्स जो आपने अपनी लाइफ में अपने लिए देखे हैं वो आपके पूरे हों। तो आइए इन गाइडलाइंस पर चलते हैं, और वो तमाम स्टूडेंट जो कि अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देके फारिग हुए हैं वो तमाम इन बातों को देखें और आराम से सोचें और फिर एक अच्छा फैसला करें। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज़ हम लोग करते हैं। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अपना FSC कंप्लीट करा है, प्री इंजीनियरिंग का एग्जाम सेकेंड ईयर का दिया है, प्री इंजीनियरिंग से दिया है, मैथमेटिक्स से दिया है, उनके लिए गाइडलाइंस पहले देखते हैं कि फ्यूचर के हवाले से, अकेडमिक कैरियर के हवाले से इस वक्त जो टाइम चल रहा है, जो एरा चल रहा है, उसमें जो स्कोप्स हैं फील्ड की, उनके हवाले से प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जा रही है। पहले सबसे पहली फील्ड है बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस वक्त एज यू नो कि कंप्यूटर का दौर है, पूरे वर्ल्ड में आप चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, कंप्यूटर से रिलेटेड आप अगर डिग्री हासिल किए हुए होंगे और ख़ास कर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसकी बहुत डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और आजकल तमाम प्रोफेशनल इदारों के अंदर इसके जो मेरिट है वो भी काफ़ी हाई है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अगर एडमिशन ले लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आपका इंटरेस्ट इससे बहुत अच्छा है, तो बहुत ही शानदार फील्ड है, इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो रियलिस्टिक रहिए, ऐसी फील्ड को सेलेक्ट कीजिए जिनका स्कोप फ्यूचरिस्टिक टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो। ऐसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है बेटा बॉयज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी है कि सदाबहार फील्ड है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, आप कहीं भी चले जाएँ आप बहुत अच्छा इसमें स्कोप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेहतरीन सदाबहार फील्ड है, आप इसमें लिंक हो जाएं, इसमें इंजीनियरिंग कर लें अपनी। सिविल इंजीनियरिंग तो बॉयज़ के लिए पर्टिकुलर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप भी है। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आजकल बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इसका, टेक्सटाइल के हवाले से बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो रिसेंटली एडमिशन हो रहे हैं उसमें काफ़ी बच्चे टेक्सटाइल की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सदाबहार फील्ड है, आप इसमें चले जाएं, बहुत ही अच्छा स्कोप है। ऐसी कंप्यूटर रिलेटेड BS कंप्यूटर साइंस, ये भी आप
कर सकते हैं, और ये ऐसी फील्ड मैंने आपसे शेयर की हैं जो तमाम के तमाम आपके इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा जो है स्कोप दे सकती हैं। इसके अलावा एनईडी के अंदर बहुत सारी फील्ड और भी हैं, ऑटोमोटिव है और भी, तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उनमें ना जाएँ। मैं यहाँ पर आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है। यानी यहाँ पर मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि आप अगर आप बहुत क्विक अच्छा डिसीजन लेते हैं, तो इसमें आपके पास, मैं एक फील्ड और यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि आप अगर बहुत ही पॉजिटिव हैं अपने इंटेंट के अंदर, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आप इसमें जी BBA की एक फील्ड है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आप अपना चॉइस जो है वो कॉमर्स से भी ले सकते हैं, आप BBA भी कर सकते हैं। लेकिन वही देखें, सबसे पहले बात ये कि आप अपने आप को परखें कि आपके अंदर रिस्पॉन्स कैसा है। आप रिस्क लेते हैं तो आप BBA भी कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप उनमें जाके पता कर लें अपना। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरफ हैं कि आप वेरीफाई करते हैं हर चीज़ को, फिर उसको परखते हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए बेहतरीन फील्ड है कि आप हर चीज़ को जो है वेरिफिकेशन के बाद फॉलो करते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसा देख रहे हैं। इंजीनियरिंग के बच्चों के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी फील्ड जो है कॉमर्स में ले सकते हैं, आप यहाँ पर इसको जो है इस तरफ आ जाएँ, BBA की तरफ आ जाएँ, या फिर अपनी इंजीनियरिंग साइड पर आपको मैंने फील्ड शेयर की हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बिल्कुल पैनिक ना करें और बहुत रिलैक्स होकर आप जो है अपने कंसल्ट करें, अपने पेरेंट्स से रابطہ रखें, उनसे काउंसलिंग करें कि वो कितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यानी वो अगर आपको ये कहते हैं मैं प्राइवेट आपको जो है करा सकता हूँ, अब इन तमाम फील्ड्स के अंदर प्राइवेट भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर हैं इस वक्त, सर सैयद है, ऐसे ही उस्मान है, ऐसी नस्ट है, ऐसी फास्ट है, ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। इकरा यूनिवर्सिटी भी कराती है, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट बच्चों को हेल्प कर सकती हैं, जो जिनके एडमिशन सरकारी इदारों में नहीं होता है, वो एंट्री टेस्ट ECAT का अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इनकी परसेंटेज कम होती है, तो उनके पास ऑप्शन प्राइवेट के भी खुले हुए हैं। तो ये तो थी, हमने कुछ यहाँ पर आपके इस पेज पर शेयर की है। अब बढ़ते हैं इसमें हम आगे, तो आई बेटा बात कर लेते हैं प्री इंजीनियरिंग के हवाले से। कुछ और ऑप्शंस खुले हुए हैं, खैर मेडिकल वाले बच्चे भी यहाँ पर जा सकते हैं, और वो ऑप्शंस हैं डिफेंस साइड पर। यानी कि आप अगर अपनी सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारी ऐसी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कि आपको पढ़ाएंगी भी और फिर आपको कमीशन भी दिलाएंगी, और आप बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक्स की जॉब्स जो हैं वहाँ पर कर सकते हैं, सरकारी जॉब्स होंगी, और उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बहुत इंसेंटिव्स हैं, जो कि जब आप उसके चार्म को फील करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने बहुत अच्छी फील्ड सेलेक्ट करी। डिसिप्लिन है इन लाइफ के अंदर, और मेडिकल प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसाइल, और यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना रिलैक्स हो सकती हैं अगर आप इन तमाम इदारों से रिलेट हो जाएं। और एक बहुत पैशन है, देखिए पैशनेट पीपल्स को रिक्वायर करते हैं, यानी कि आपके अंदर अगर मुल्क के लिए जज्बा है तो आप बिल्कुल अपने इस तरफ जाइए। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास कि आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी के अंदर PMA लॉन्ग कोर्स होता है। इंजीनियरिंग के हवाले से मेरे ख्याल है अब वो क्राइटेरिया जो है 60% पे शायद चला गया है। इसके लिए मैं तीनों की समराइज करता हूँ, पहले पहले आर्मी की बात कर ली। ऐसे अगला ऑप्शन है आपके पास कि आप नेवी की तरफ चले जाएं, अगर आपका इंटरेस्ट अगर समंदरों में पानी में बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आप समंदर की तह को सर्च करें और उसमें जाकर इंजीनियरिंग करें अपनी, तो इस साइड पर भी जो है बहुत अच्छा ऑप्शन इंजीनियरिंग वालों के पास मौजूद है। और ऐसे ही थर्ड ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल, यानी हर बंदे का ख्वाब कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करें, आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, आप GD पायलट बन सकते हैं एयरफोर्स में जाकर। तो ये तमाम ऑप्शंस इंजीनियरिंग वालों के लिए भी खुले हैं, और आई थिंक मेडिकल वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है ये जो कि आप नज़र में रख सकते हैं अपने। यानी कि ज़िंदगी कुल नहीं है, आप जो सोच सकते हैं, यू आर यंग टीनेजर, आप जो ड्रीम कर सकते हैं। देखिए वही बात आ गई कि आप अपने अंदर तलाश करें कि अपने अंदर एक क्या पैशन है आपके अंदर, आपने अंदर एक फाइटर तलाश करें कि आप
क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है बेटे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली अपना सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया है, तो अब आप सर्चिंग करें, इनके ऐड आते हैं अखबार में, आर्मी का भी ऐड आता है, नेवी का भी ऐड आता है, एयरफोर्स का भी ऐड आता है। कमीशन के हवाले से आप देखें उस ऐड को, सर्च करें, और इसमें क्राइटेरिया होगा कि पहले इनिशियली आपको सदर इधर के दफ्तर बने हुए हैं इनके, वहाँ जाना होगा, जिस डेट होगी उसमें आपको इनिशियली पहले एकेडमिक टेस्ट देना होगा अपना। एकेडमिक टेस्ट आपका यही इंटर के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। अब तो वो टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, कि आप जाएंगे, आपका माउस हाथ में होगा, सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन चल रही होगी, आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और उसके बाद एकेडमिक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। तो फिर आपका अगला मरहला ये होगा कि एक इनिशियल मेडिकल आपका होगा वहीं पर ही, और उसके बाद वो मेडिकल भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपका। तो फिर आपको 1-2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आपको आईएसएसबी की कॉल आएगी। याद रहे, कमीशन ऑफिसर, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी अप्लाई करना चाहेंगे, आपको तीनों के अंदर आईएसएसबी क्लियर करना, लाजमी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये एग्ज़ाम देना होगा इसका आपको। जिसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपको 3 से 4 दिन के लिए बुलाया जाएगा, लेटर घर में आपके आएगा, मलीर कैंट के इलाके में, कराची के अंदर जो है इनका इदारा बना हुआ है, वहाँ पर आपको 3-4 दिन स्टे होगा, और आईएसएसबी के वाले से बहुत सारी जो है गाइडलाइंस बुक्स मिल जाती हैं मार्केट्स के अंदर, आप उसको देखें और एक गाइडलाइन ले लें अपनी, और फिर आप उसके लिए तैयारी करें उनके 1-2 महीने जो आपको बीच में गैप मिलेगा। और इंशाल्लाह अगर आपका आईएसएसबी क्लियर हो जाता है तो फिर आपको जो है एक फाइनल मेडिकल के लिए जाना होगा, फिर जिस फील्ड में आपको कमीशन के लिए अप्लाई किया है आपने, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपका एडमिशन आराम से हो सकता है। वो लोग फिर आपको पढ़ाएंगे भी, और यानी इंजीनियरिंग जो आप बी कर रहे हैं एनडी वगैरह से, ऐसी इंजीनियरिंग भी लोग कराएंगे, और आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहेगी, और 4 साल के अरसे में आप इंशाल्लाह एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो देखिए, ये वही बातें हैं जिनके अंदर पैशन होगा, जो बच्चे सोच रहे होंगे, यानी वो ये ना सोचें कि उनके पास लैकिंग है, वो क्या करें इंटर के बाद। ऑप्शंस इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे खुले हुए हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसा देख रहे हैं। आइए अब इससे बढ़ जाते हैं हम आगे कि और क्या ऑप्शन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास। जी बेटा, तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगला ऑप्शन आप सामने देख रहे होंगे इस वक्त, जो मैंने ट्रेंड फील करा है पिछले 4-5 सालों से, वो ट्रेंड ये देखा गया है कि बहुत सारे प्री इंजीनियरिंग से करने वाले स्टूडेंट्स का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो सीए की तरफ ज़्यादा है, यानी कॉमर्स के फील्ड में। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने नाम सुना ही है, सीए, एसीसीए, इससे रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया है। याद रहे बेटे कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फील्ड है, लेकिन आप अगर इसको कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है, आप अच्छे आईक्यू लेवल को रखते हैं, तो इंशाल्लाह ये 5-6 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, और आप फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये आपके लिए टॉप मोस्ट ऑप्शन हो सकता है उन बच्चों के लिए कि जो जीनियस हैं वाकई। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये कि आप अपने पेरेंट्स से राय लीजिए कि वो फाइनेंशियली आपको कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, कितना टाइम है आपके पास। अगर वो कहते हैं कि मैदान खुला हुआ है, तो इसमें देखिए 6-7 साल भी लग सकते हैं, बाद में पेपर रह जाता है, फिर बच्चा पेपर देता है दोबारा। तो ये अगर इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीट हो जाता है सीए, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी इसकी लाखों में होती है, और आप जिस कंपनी के भी ज्वाइन करेंगे, आपके अंडर जो है बहुत सारे इंजीनियर जो है वर्किंग कर रहे होंगे, यानी कि आप एक बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स पर हो सकते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक्स के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। सीए जो होता है वो ऑडिट करता है पूरी कंपनी का, तो मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, यानी कि आप कहीं भी निकल जाएं सीए कर कर, आपको पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ही बेहतरीन हैंडसम सैलरीज मिलेंगी, और बहुत ही पुरकशिश ये जो है आपके लिए जॉब हो सकती है। लेकिन शर्त उसकी है कि आप पहले इसको कंप्लीट करें। इसके हवाले से गाइडलाइन ये है कि आपको कराची के अंदर जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आई कैप इसका बोर्ड है, आपका इंटर बोर्ड था, इनका बोर्ड आई कैप है, और ये क्लिफ्टन साइड पर इसका कहीं जो है आई कैप का दफ्तर बना हुआ है, और आप जो है इसके हवाले से जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि तैयारी कराते हैं, इनके एग्जाम्स होते हैं। इनिशियली जो है सबसे पहले आई के बाद आपको एडमिशन लेना होगा वहाँ पर जाकर, और फिर ये कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तबानीज है और बहुत सारे हैं,
यानी ये सब जो है आपको तैयारी कराएंगे उन एग्ज़ाम्स की, और ये आपको पढ़ना होगा, फिर जाके अपेयर होना होगा आईकेएफ के एग्ज़ाम में, वो क्लियर करना होगा। ऐसे इस तरीके से आपको जो है ऐसा ऐसा ये मंजिलें जो है कवर होंगी। लेकिन इसके लिए मैं बार बार कहूँगा कि आपको घर की तरफ से बिल्कुल 7-8 साल तक का जहनी सुकून होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें कि वो आपको जो है क्या टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम आपके पास है अपने आप को बनाने का, और उस हवाले से आप एक अच्छा फैसला ले लेंगे। किसी को जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाता वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं और सीए में चले जाते हैं, लेकिन सीए में जाने के बाद 1-2 साल बाद आपको एहसास होता है कि आपने गलत सिलेक्शन कर ली है, आप कॉमर्स फील्ड में आ गए हैं, यानी आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इंग्लिश वीक है और मामला। तो इसलिए बजाय इसके कि आपको जज्बाती फैसला करें, आप पहले अपने आप को परखें, जो स्टूडेंट हैं सीए के उन जो कर रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उनसे जो है गाइडलाइन लीजिए, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हटा जाती हैं, हर बात सोच समझ कर एक अच्छा फैसला लीजिए। तो बेहतरीन फील्ड है आपके लिए मेरी नज़र में सीए, अगर आप करना चाहें तो। बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ देखते हैं कि अब इंजीनियरिंग वालों के ऑप्शंस क्या बचे हैं। देखें, याद रहे कि हर बच्चे का A1 ग्रेड नहीं आ रहा है, हर बच्चे की हाई परसेंटेज नहीं आ रही जिन्होंने इंजीनियरिंग से इंटर किया है अपना, तो उनके लिए ऑप्शंस और भी अलाइव हैं कि आप लेक्चरशिप की तरफ आना चाहते हैं, आप अपने आप को स्किलफुल, आपके अंदर ये टैलेंट है। तो देखें सामने दिख रहा है कोर्स आपके BS इंग्लिश, यानी कि BS ऑनर, आप इंग्लिश में जो है पकड़ें, कराची यूनिवर्सिटी से पकड़ें, किसी यूनिवर्सिटी से पकड़ें, इंग्लिश में BS कर लें, बाद में फिर इसमें मास्टर्स का ऑप्शन भी है। तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि आपको लेक्चरशिप में भी बहुत हेल्प करेगी, और इसके अलावा मीडिया के अंदर ऐसे ही जो है बहुत से, जैसे आपके मास कम्युनिकेशन वाले फील्ड हैं मीडिया में, और ऐसे बहुत सारे प्रेस के अंदर इंग्लिश की इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। यानी आप अगर इंग्लिश में अपना मास्टर्स कर लेते हैं, इसमें स्किलफुल हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन फील्ड है। यानी अपने आप को आप ये ना समझें कि आप एक गलत फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे ही आप लैंग्वेज में जो है उर्दू को भी ले सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी कर सकते हैं, इस्लामियात में भी कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इनमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर आप लेक्चरशिप की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आगे पढ़ाने का आपका इंटरेस्ट है, आप इसमें PhD करना चाहते हैं और मामला हैं, तो इन सब में जो है स्कोप आपको बहुत शानदार मिलेगा, कॉम्पिटिशन आपको कम मिलेगा। हम अपने कॉलेज साइड की बात करें तो यहाँ जब भी कमीशन का ऐड आएगा तो ये जो तमाम सब्जेक्ट आप सामने अपनी स्क्रीन के देख रहे हैं इस वक्त, ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि हर फील्ड में होते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, यानी कोई भी डिपार्टमेंट इन फील्ड हो आपकी इंटर के अंदर, उसमें इन चारों का होना लाजमी है। तो आप अगर इनमें जो है अपने आप को मास्टर्स कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जॉब चांसेस हैं कि सरकारी जॉब भी आपकी लग सकती है, बहुत ज़्यादा जो है आप इसमें जो है आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ रही है, देखिए मैं यहाँ पर खाली गाइडलाइन दे रहा हूँ, लेने स्टेप्स आपने हैं, और एक बार स्टेप ले लें तो जैसे कायद ने कहा था कि आप फिर उसमें कायम रहें, यानी आप पॉजिटिव रहें कि आपने अब जो है इस पर स्टैंड करना है, ये फैसला आपका था और अब आपको जो है इसको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी जमाना बोलता रहे। देखें फील्ड कोई भी ख़राब नहीं होती है, इट्स अबाउट आर इंटरेस्ट कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे उसमें बना रहे हैं, कैसे उसमें क्रिएट कर रहे हैं वेज स्किलफुल होने के, ये आपके अपने ऊपर होता है। ऐसा ना हो कि आप एक फैसला ले लें फिर यूनिवर्सिटीज में आप जाना शुरू हो तो आप बोले मैंने गलत फैसला ले लिया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऑप्शन देखें, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आप खासतौर पर बच्चे की परसेंटेज थोड़ी कम है इंटर इंजीनियरिंग के अंदर, वो बिल्कुल मायूस ना हो, उनके पास ऑप्शन ये देखें सामने। देखें इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैं आपको ये वादे कर दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कराची में जो है जॉब सिनेरियो बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट है, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर ट्रेनी लेटर इंजीनियर को भी जो है 30,000-35,000 की जॉब मिल रही है इस वक्त। ये मैं आपसे फैक्ट बता रहा हूँ, आपको मार्केट की मुझे बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरफ आ जाते हैं कि आप लैंग्वेज पकड़ लेते हैं या इस टाइप का कोई जो है सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में भी देखें ख्याल रखें, साइंस सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी ये ऐसे सब्जेक्ट जो कि जहाँ पर साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें जब कमीशन में जॉब आती है तो उनमें जो है काफ़ी जो है बच्चे अपेयर होते हैं,
टेस्ट देने के लिए, उनमें चांसेस जॉब के कुछ कम होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे आपके पास कि आप जो है अपनी सरकारी जॉब भी जो है ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू मैनिपुलेट दिस सिचुएशन, कि अपनी परसेंटेज को देखें, आप अपने घर में फाइनेंशियली आप अपनी सपोर्ट देखें, वालदेन से राय लें और फिर आप एक अच्छा फैसला लें। मकसद हमारा यही है आज आपको गाइडलाइन करने का। तो आई होप कि इंजीनियरिंग वालों को काफ़ी ऑप्शंस मिले होंगे मेरी इस गाइडलाइन के बाद। जी बेटा, तो अभी हमने प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करी ऊपर, और वहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही उन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा लड़कियों के हवाले से प्री इंजीनियरिंग करने के बाद जो मैथ सेंटर कर रही हैं उनके पास ऑप्शंस क्या हों उन पे गाइडलाइन दे देता हूँ सामने, कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतरीन है आपके लिए। जैसे आपके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर लेती हैं, ऐसे ही आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, इस तरफ चले जाएँ, बेहतरीन है आपके लिए। ऐसी मैकाट्रॉनिक्स की एक फील्ड है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपके लिए बेहतरीन है। ऐसी मैकेनिकल में जो है डिज़ाइन का एक ऑप्शन है कि आप डिज़ाइन करें, ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा होगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग है, ये भी आपके लिए बहुत शानदार है। केमिकल इंजीनियरिंग है, ये भी आपके लिए बहुत शानदार है। तो ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिनमें जो है लड़कियाँ अच्छे अंदाज में जा सकती हैं, और इनमें इंजीनियरिंग आप करेंगी तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है, आप जो है ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें जो मतलब आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो। आई होप आप पॉइंट समझ रही होंगी कि आपको काम करने के वाले देंगे, वहाँ तो पढ़ा देंगे आपको, पढ़ाते वक्त तो सब चीज़ें आपको बता देंगे इस तरीके से होगा ये होगा, लेकिन जब आप फील्ड में आएंगी तो वहाँ पर आपको जो है ऐसे ऑप्शन चाहिए जहाँ पे आप सर्कमस्टांसिस के अंदर वर्क कर सकें। तो इसके लिए जो मैंने फील्ड आपसे शेयर की हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी फील्ड है कि आप आर्किटेक्ट करें, केमिकल इंजीनियरिंग भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले लें, या फिर आप सॉफ्टवेयर तरफ चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर चले जाएं, ये तमाम फील्ड्स गर्ल्स के लिए बहुत शानदार हैं। आई होप आप इन पॉइंट्स को देख रही हूँ। जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, इन तमाम ऑप्शंस के बाद एक ऑप्शन और खुला हुआ है कि आप ग्रेजुएशन सिंपल करें, या बॉयज़ से बात करूँ मैं इस वक्त तो ग्रेजुएशन सिंपल करने की परसेंटेज अल्लाह ना करे कम आई है, तो वो आखिरी ऑप्शन ये भी देख सकते हैं कि आप ग्रेजुएट कर लें बीकॉम या बीएससी या फिर अपना बीए। लेकिन उसमें आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन सामने आ रहा है कि आप ये उनके लिए जिनके पास बिल्कुल सामने से ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, ना फाइनेंशियल सपोर्ट नज़र आ रही है और ना यहाँ पर जो है उनकी अच्छी परसेंटेज है, तो वो ये भी देख सकते हैं कि वो बीकॉम में एडमिशन लेकर अब बराबर में आप देखें तो यहाँ देखें कंप्यूटर कोर्सेज, ग्राफिक्स, वेब डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस, फ्रीलांसिंग, यानी आजकल ये काम भी बच्चे बहुत शानदार कर रहे हैं। तो मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिएगा आप, कि जितने भी एनईडी के इंजीनियर भी हैं, मैं भी बच्चों से मुलाकात करता रहता हूँ जो एनईडी से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो वो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि सर देखें जो हमारी बीई की डिग्री है वो तो साइड पे रख दी जाती है, असल में आपको टैलेंट क्या है आपके अंदर उसको देखा जाता है। तो फ्रीलांसिंग का नाम आपने सुना है कि पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है काम कर रहे हैं, यानी वो जो भी काम आता है पूरे कहीं से भी दुनिया में वो काम लेते हैं और उनकी फिर पेमेंट्स आती हैं, वो जो है अपनी वर्किंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैं इसमें आपसे कहूँगा कि आप यहाँ गौर करें कि आप ग्राफिक्स में अच्छे अच्छे कोर्सेज कंप्यूटर के कर लीजिए, वेब डेवलपमेंट है, लैंग्वेजेज जो इस वक्त करंट एरा में चल रही है, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, नहीं कि आपको देखना पड़ेगा फ्रीलांसिंग के जो बच्चे हैं उनसे रब्ता करना पड़ेगा कि ज़्यादा काम किस नेचर का आ रहा है, जैसे नेचर ऑफ जॉब उनकी आ रही है डिमांड उस इस हवाले से। मैं ये भी गाइड करूँगी, बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ पर हैं जो कि आपको हायर कर लेती हैं और वो बाहर से काम लेकर फिर आपसे काम करा के उनको वापस करती हैं, तो उसमें कंपनी अपनी कमीशन रखती है, लेकिन यही चीज़ अगर आप स्किलफुल हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी जो है बाहर से जो है रबते कर कर अपने क्लाइंट से उनके काम कर सकते हैं। तो ये एक बार आपका अगर लिंक बन गया, एक अच्छा काम प्रोजेक्ट करके दिखा दिया आपने, तो फिर आप इसमें लाखों कमा सकते हैं, यानी ये ऑप्शन भी आपके पास अलाइव है कि आप अपनी ग्रेजुएशन भी करते रहें साथ साथ और इन फील्ड्स के अंदर जो ग्राफिक्स में या इस वक्त जो करंट एरा में फ्रीलांसिंग डिमांड चल रही है वो वाले कोर्सेज आप सर्च करें और उनको स्टार्ट कर दें करना। तो मैं बार बार आपसे बात कहूंगा कि ये भी बेहतरीन फील्ड के एनईडी का बीई का इंजीनियर भी जब बीई कर भी रहा है तो उसके बाद भी वो इन कोर्सेज पे वर्किंग कर रहा है, यानी वो जो फ्रीलांसिंग कर रहा है वो इन कामों में
कर रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डिग्री साइड पे रख दी जाती है, आपको टैलेंट क्या आ रहा है, तो आप क्योंकि पूरा दौर कंप्यूटर का चल रहा है, तो आप इनमें इन कोर्सेज पे अच्छी वर्किंग करें तो भी आपके ऑप्शंस बहुत सारे अलाइव हैं। ये बीकॉम, बीएससी, बीए, ये किसी भी सरकारी कॉलेज से भी कराया जाता है, यूनिवर्सिटी कराची इंस्टीट्यूट से भी होता है, प्राइवेट भी होता है बीकॉम बीए। यानी ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसा इसका सोच रहे हैं। रियलिस्टिक रहिए, अपने ऑप्शंस पे वर्किंग कीजिए। तो बेटा क्योंकि पूरा पैकेज मैंने इंटर एफएससी के स्टूडेंट के लिए बनाया, साइंस वालों के लिए बनाया, जो बच्चे हमारे से गए हैं पढ़कर गए हैं सबके लिए बनाया, तो मैंने अभी सोचा कि क्यों ना मेडिकल वाले बच्चों को भी, जिन्होंने प्री मेडिकल से रिसेंटली अपना इंटर कंप्लीट करा है, सेकेंड ईयर कंप्लीट करा है, उनको भी एक गाइडलाइन दी जाए कि दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी में ऑप्शंस बहुत हैं। वो ये ना सोचें कि प्री मेडिकल के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, कि हमें डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस ही करना है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको गाइडलाइन दूँ यहाँ पर। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, पहली बात तो ये कि अगर आपका एमकेट का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, या आपका एडमिशन एमकेट ये एमबीबीएस में नहीं हो पाता सरकारी इदारों में, तो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना है, आपने एकदम यू टर्न नहीं लेना। जो मैं बार सबसे अहम चीज़ इस पेज को डालने की आपके लिए ये है मेडिकल वालों की, कि वो अक्सर मैंने देखा है कि मेडिकल वाले एकदम यू टर्न ले लेते हैं, कि पूरा मेडिकल से पढ़ा उन्होंने, फिर एंड में क्या होता है उनका एडमिशन नहीं हो रहा होता सरकारी इदारों में, परेशान हो रहे होते हैं, तो वो फिर जो है जब सब जगह से मायूस हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ का, और फिर इंजीनियरिंग में साइड पे आ जाते हैं, या फिर वो कॉमर्स साइड पे चले जाते हैं, बीकॉम सीए इस टाइप का। देखें एकदम से यू टर्न नहीं लेना है। आपने प्री मेडिकल मैट्रिक के बाद लिया, बहुत कुछ सोच के लिया होगा कि मेडिकल में आपका इंटरेस्ट होगा, तो वो इंटरेस्ट एकदम दबा क्यों दिया आपने, आप उसको अलाइव रखिए। और अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा है तो ये कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, बल्कि आप अपने और वेज देखें। तो आइए एक वेज आपको मैं दिखा रहा हूँ कुछ। पहला तो ऑप्शन सबको पता ही है एमकेट का है, कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लें, सरकारी दरों में इसका टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्लियर हो, इंटर की परसेंटेज हो, तब जाके इसमें एडमिशन होगा। लेकिन एज यू नो, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास कॉल आती है, मेरे दोस्तों की कॉल आती है कि भाई अब क्या ऑप्शन है अगर वहाँ पर नहीं होता है, तो मैं यही कहता हूँ उनसे, देखें एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो ये कोई कुल नहीं है, बल्कि आप अगला ऑप्शन आपके लिए बीडीएस का है, सबको पता ही बात। और फिर एक और ऑप्शन अलाइव है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं आपके पेरेंट्स, तो आप प्राइवेट मेडिकल में भी कॉलेज में भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। पाकिस्तान में फिर इतना नहीं है, बाहर तो और कॉस्टली है, लेकिन अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसके लिए भी, अब तो कंडीशन है कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वो टेस्ट की मेरिट अलग बनेगी प्राइवेट इदारों के लिए। खैर ये तीन ऑप्शन तो जो हैं सबको सिंपल पता ही है। अगला ऑप्शन जो मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, नंबर चार, वो डीपीटी का है। इस वक्त डॉक्टर फिजियोथेरेपी की फील्ड बहुत ज़्यादा जो है अच्छी जा रही है, तो ये एक ऑप्शन है जो कि आप ट्विस्ट कर सकते हैं। आप देखें कहाँ कहाँ पर ये डीपीटी के हवाले से काम हो रहा है, जो जो कोर्सेज हैं या कुछ ग्रेजुएशन है जिससे जो भी है इसका कोर्स, वो कहाँ कहाँ कराया जा रहा है, इसको सर्च करना पड़ेगा आपको। ऐसी अगला ऑप्शन फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट बेहतरीन, यानी मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि बी फार्मेसी डी फार्मेसी, यानी जो भी आप देखें फार्मासिस्ट के हवाले से, आप कोई सरकारी जॉब भी नहीं मिल पा रही तो कोई बात नहीं, आप अपनी भी यहाँ पर जो है फार्मेसी खोल सकते हैं। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर कराची में खुल गए हैं, तो ऐसे हो सकता है कि लाइसेंस का पूछा जाए और शर्त लगा दे गवर्नमेंट की, भाई सिर्फ वही बंदे मेडिकल खोलेंगे जो कि खुद फार्मासिस्ट होंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छा चार्म क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए कि आपने फार्मेसी किया हुआ होगा, तो आप अपना खुद फार्मेसी खोल सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही फूड साइंस है, डाइटेशियन न्यूट्रिनिस्ट का जो पूरा कोर्स है, ये इसकी आजकल फील्ड बहुत अच्छी जा रही है। ऐसी स्पीच थेरेपी के बोलने प्रॉब्लम अगर है तो उसमें भी आजकल इसके कोर्सेज हो रहे हैं अलग अलग, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ऑप्टोमेट्री नाम आपने सुना ही होगा कि ये आंखों से रिलेटेड है, कि जो आपके पास जब ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर सर्च करते हैं कि आई साइड, यानी जो भी आंखों के वाले से आपको जो है मामला आते हैं, आप इनसे रुजू करते हैं। ऐसे परफ्यूजनिस्ट, यानी कि ये परफ्यूजनिस्ट क्या होते हैं, आपने मेडिकल में पढ़ा होगा कि जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो जब हार्ट को बंद किया जाता है, तो परफ्यूजनिस्ट जो होते हैं वो बाकी आपकी जो बॉडी है उसको वर्क करने के लिए ऑपरेशन कर रहा होता है, तो इसका होना उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है जब ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, आजकल इसकी काफ़ी डिमांड है।
ऐसी ऑडियोमेट्री, ऑडियोलॉजी यानी कि ये जो कि डीप डंब होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए डॉक्टर्स बहुत नीड होती है कि आप जो है किस तरीके से उनसे कंसल्ट करते हैं, उनका मैसेज डॉक्टर को पहुंचाएं। ऑडियोमेट्री ऑडियोलॉजी कहलाता है। ऐसी वेटनरी डॉक्टर, खैर आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वेटनरी की शॉर्टेज है। आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं जानवरों के डॉक्टर के हवाले से। ऐसी फिशरीज का एक काम है जो बच्चे बायो से इंटर करते हैं। सरकारी जॉब के हवाले से फिशरीज में, कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में बहुत अच्छी जॉब्स आती रहती हैं अक्सर। तो मैं यही कहूँगा फिशरीज भी एक ऑप्शन है, आप अगर इसमें अपना कोर्स कर लेते हैं। ऐसी पोल्ट्री है, पोल्ट्री में सरकारी जॉब अक्सर आती रहती हैं। एनेस्थीसिया, एज यू नो कि इसका भी स्पेशलिस्ट होता है, जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो इसके लिए अलग से जो फील्ड बंदा खड़ा होगा वो एनेस्थीसिया देगा। ऐसे ही डर्मेटोलॉजी, सबको पता है लड़कियों को कि इस वक्त जो है डर्मा की फील्ड कितनी अच्छी जा रही है, इसमें भी आप अच्छे स्पेशलाइज कोर्स कर सकते हैं। ऐसे ही अगला ऑप्शन आपका सब्जेक्ट के बारे में, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में आप जो है लेक्चरशिप के लिए ये आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इन सब्जेक्ट में जाकर आप पहले अपना कंप्लीट कर लें जो भी आपकी ग्रेजुएशन है। ऐसी MLT, MIT यानी इनको भी आप बिल्कुल लाइटर नोट पे ना लें कि MLT जो है जो लैब्स के हवाले से आपके ब्लड टेस्ट होते हैं और टेस्ट होते हैं, ये MLT पूरे टेक्नीशियन होते हैं जो कि पूरा कोर्स होता है 5 साल का। ऐसी MIT जो रेडिएशन से कोर्सेज होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया और सब चीज़ें, इनमें बहुत अच्छी फील्ड है ये। मतलब एकदम कराची के अंदर मेडिकल रिलेटेड जो है बंदा कभी मार नहीं खा सकता। आप देखें, ऑप्शंस देखें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही मेल नर्सिंग है, फीमेल नर्सिंग, और एक आपके बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च करना चाहते हैं रिसर्च में जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो है आपके पास जो है फील्ड में भी नीड होती है, लेक्चरशिप में भी नीड होती है। तो ये तमाम ऑप्शंस मैंने आपसे शेयर किए हैं जो कि मेडिकल सेंटर बच्चों ने करा है, प्री मेडिकल से, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारामद हैं। देखें MBBS ही कोई कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका एम्बिशन है, आप करना चाहते हैं, आप में फाइट है, आप अगले साल फिर अपेयर हों, रिपीट करते जाएं, एज यू नो मेरिट आपकी जो बढ़ती जाएगी हर साल, आपके 10-10 नंबर का फर्क आता जाएगा। लेकिन वही बात है कि जो ड्रीम होता है वो अगर अचीव करना है तो उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ती है, वो लास्ट की बात मैंने करी है। इससे देखिए जो मैंने ऑप्शंस आपसे शेयर किए, अगर इनमें से कहीं पे आपका इंटरेस्ट होता है तो बाहर से कोई मखलूक नहीं आएगी, यहीं कराची पाकिस्तान से ही जो है लोग इन फील्ड में भी जाएंगे। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब ऑप्शंस आपके पास सामने हैं। तो आप बिल्कुल मायूस ना हो और इन ऑप्शंस पे वर्किंग कर सकते हैं, ये आपके सोचने पर है। मेरे तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करा है, FSC से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए मैंने अपना ये पैकेज बनाया है। तो मैं डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सका, तो मैंने इस मैसेज के थ्रू ही आपको अपना जो भी व्यू है वो कन्वे किया है कि आप एक अच्छा फैसला लें। ऐसा फैसला ना लें कि आपको 1-2 साल बाद जाकर यू टर्न लेना पड़े कि मैंने गलत फील्ड सेलेक्ट कर ली। आपके जो ऑप्शंस हैं आप इनको देखें, फिर अपने इंटरेस्ट को चेक करें कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड के अंदर है, फिर उसका स्कोप देखें, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनी रखिए उस फील्ड के अंदर कि सालों बाद वो कैसी होगी, और फिर मार्केट को देखिए कि इस वक्त जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनके हवाले से क्या ऑप्शंस हैं। इन तमाम बातों के बाद आपको जो है एक अच्छा फैसला लेना है। लेकिन याद रहे बेटा कि ये तो बातें हो गई, फैसला ले लिया, लेकिन फिर देखिए हर्डल्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को आपने निगोशिएट करना होगा क्योंकि वो फैसला आपका अपना है, हमारा काम है गाइड करना आपको। तो आप बिल्कुल उदास या मायूस ना हो। अच्छी परसेंटेज की आई है उनके ऑप्शन भी डिस्कस करे हैं मैंने, जिनकी परसेंटेज कम है उनके भी ऑप्शन डिस्कस करे हैं। आप इन तमाम ऑप्शंस को देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत शानदार होगी, लेकिन आप एक अच्छा फैसला आप जरूर लीजिए। बेटा मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप एक बहुत पुरैतमाद अंदाज से अब अपना फैसला लेंगे, क्योंकि देखें सेल्फ बिलीव होना चाहिए, हार्ड वर्क आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये आपके अपने ऊपर है कि अच्छा फैसला आप लें और कंसल्ट करें जितने भी आपके एल्डर्स हैं खानदान में, फैमिली के अंदर हैं जिन्होंने पढ़ा है आगे, आप उनसे मशवरा लीजिए, वो आपको अच्छी गाइडलाइन देंगे। देखिए मशवरा भी सुन्नत है, आप मशवरा लेंगे तो बजाय इसके आप गलत स्टेप ले लें, जज्बाती स्टेप ले लें, आप 2-4 मशवरे लेने के बाद फैसला करें तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा
आप अपने आप में भी सर्च करें कि आप में कितनी पोटेंशियल है, आप उस फील्ड में स्किलफुल हो पाएंगे। किसी के कहने पे ना लें, आपको कह दिया उन्होंने सुन लिया आपने, आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। वालदेन से कंसल्ट करें, काउंसलिंग करें। लेकिन ये जो स्टेप है ये यहाँ ये भी कह देना चाहेंगे, फाइनेंशियली भी देखें, 1-2 साल उन्होंने दे दी फीस आपको, फिर अगले मसले हो गए आगे, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले उनको एतमाद में लें, देखें उनको टाइम बताएं, टाइम फ्रेम बताएं कि इतना टाइम मुझे लगेगा, और फिर उनसे शेयर कर दें, इंशाल्लाह एक अच्छा हल निकल आएगा, एक अच्छा फैसला निकल आएगा। तो बेटा इस वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर में हमारे पास आए, पूरे 2 साल गुजारे मुझसे पढ़ा, मैं उन तमाम को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, और मैं आप उन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पूरे सेशन में हमारी बात को सुना, उस पर अमल किया। और यही दुआ अल्लाह पाक से कि आप तमाम की जो फ्यूचर लाइफ है, अब जो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी शुरू होने वाली है, ये बहुत शानदार हो, और इसमें आपके वालदेन का साया तादेर आप पर कायम रहे। और बहुत ही क्रिटिकल ये साल हैं आपकी लाइफ के, आप दुआ यही है कि अब जब मुलाकात हमारी हो, जिंदगी जमीन गोल है बेटा, इंशाल्लाह जरूर रास्ता कहीं ना कहीं हमारा वास्ता पड़ेगा, और जब भी मिलें तो एक बहुत ही पुरअतमाद अंदाज से हम आपको देखें, आपको देखकर हमें बहुत दिली खुशी होगी। नहीं, उस सेशन में जो हमने बच्चों को गाइडलाइन दी थी फलां साल में 2022 के अंदर जो बच्चे आए थे हमारे पास, वो आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। आज से 5 साल के बाद, 10 साल के, जब भी आपसे मुलाकात हो तो मैं आपको एक बहुत कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ। गर्ल्स बॉयज़ दोनों को एक पुरअतमाद अंदाज से मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। अब यहाँ से लाइफ आपने अपने अंदाज से जीनी है, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, स्कूल की तरह कॉलेज की तरह इस तरीके से नहीं होगा। अब आपने एक अच्छे अंदाज से अपना एक टारगेट सेट कर कर अपने पूरी पोटेंशियल के साथ एक कन्फाइंड एफर्ट लगानी है, और आपको अंदाज़ा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ इतनी आसान नहीं है। आप अच्छे फैसले लीजिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप सबके लिए कि आप जहाँ जाएं, जिस फील्ड में जाएं, लोग आपको जो है बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखें, आपको अच्छी इज्जत दें, और अपने टारगेट में कामयाब हो जाएं जो भी आपने सिलेक्शन किए फील्ड की। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आज का पैकेज बहुत कारामा साबित होगा, मेरे तमाम एफएससी के स्टूडेंट्स को अल्फिज फी अमानिल्ला।